छोटा वाला हैंडल फिट किया जा रहा है, स्टीयरिंग और भी इजी होती है। जैसे मोड़ने काटने में अगर आपको तीव्र मोड़ मोड़ना काफी इजीली आप हैंडल कर सकते हैं। सर लोग क्या गलती करते हैं इसको लगाने में? बहुत कम लोगों के पास ये भी रोड में देखी हुई है, तो मैं भी जब मेरे पास नहीं थी मैं भी लोगों को देखता था, जब मैं बैठा तो फिर देखता हूँ कि लोग देखते हैं इस गाड़ी का स्टेटस अलग। और ये जो रोलिंग कर्टन्स लगे हैं आप ये देख रहे होंगे गाइस, ये रोलिंग कर्टन्स भी अब जैसे जैसे गर्मी आती जा रही, जैसे धूप बढ़ती जा रही, तो ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। हेलो एंड वेलकम बैक गाइस टू माय चैनल अजय इलेक्ट्रॉन। एक बार आप लोग का दोबारा से स्वागत करता हूँ अपने इन कार वाली वीडियोस में। तो आज मैं एक बार फिर आप लोग के लिए आया एक बेहतरीन सी कार महिंद्रा थार, जो कि ऑल टाइम सबकी फेवरेट रहती है। आज हम इसकी वीडियो में इसी पर बात करेंगे कि इसमें क्या क्या काम होने जा रहा है, कौन कौन सी एसेसरीज में फिट कराई जाएंगी, कितने में कराई जाएंगी। तो इन सब को जानने के लिए आप वीडियो को पूरी इंजॉय करें, और वीडियो में डेफिनेटली आपको मज़ा आने वाला है और आप काफ़ी सारी चीज़ें नहीं देखने वाले हो कि कैसे कैसे कितने में चीज़ें लग सकती है। तो ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूँगा, ले चलता हूँ आपको सीधा महिंद्रा थार के पास। तो दानिश भाई क्या कर रहे हो यार, आप हमेशा की तरह महंगी महंगी गाड़ी, अच्छा भैया की गाड़ी है ना, अभी हम भैया से भी गाइस बात करेंगे और भैया से पूछेंगे इस गाड़ी का ओवरऑल एक्सपीरियंस और कैसा काम चला है उन सब का एक्सपीरियंस। तो दानिश भाई पहले तो आप ही बताओ क्या कर क्या रहे हो इस कार में बैठ के? भाई स्टीयरिंग कवर है, स्टीयरिंग कवर चल रहा है, वो देखिए ये सिलाई चल रही है धड़ाधड़, जिस तरह का स्टीयरिंग कवर है उस तरह का सीट कवर है, मैचिंग मैचिंग मैचिंग। ओके, और पीछे आपका ये आर्मरेस्ट लगा है। ओके, ये आर्मरेस्ट आता नहीं है ना? आर्मरेस्ट नहीं आता है। ओके, तो यहीं पे लगा हुआ है, ये किधर है, दोनों साइड लगा हुआ है और पीछे और नीचे इसमें कुछ नीचे का भी कुछ माइटिंग पड़ेगी, उधर की माइटिंग सामने रखी है, सामने बोनेट पे रखी हुई है। अभी हमने पिछली एक और थार किया था ना, उसमें जिसमें मर्सिडीज के जी वैगन स्टाइल वो वेंट्स लगाए थे, आप पिछली वीडियो में देख लीजिएगा, काफ़ी मस्त यार वो, बहुत बढ़िया लग रहा था, सही में बढ़िया लग रहा था, बहुत यूनिक लग रहा था। अब मुझे डिफरेंस पता चल रहा है कि ये तो सिंपल वाला है लेकिन वो जी वैगन वाला बड़ा मस्त लग रहा है। तो वैसे ये देखिए यहाँ पे हैंडल स्टीयरिंग कवर लग गया है बिल्कुल एकदम काफ़ी अच्छा सा। अब कवर का एक और ये बहुत अच्छा फायदा होता है कि गर्मियाँ आ रही हैं तो हमारा हाथ फिसलता है, तो जब ये लगवाते हैं तो थोड़ा सा हाथ पे ग्रिप अच्छी बनती है तो और ईजी हो जाता है ड्राइव करना। तो सेम जैसे स्टीयरिंग कवर है सेम उसी तरीके का हमारा, आप देखेंगे कि अंदर सीट कवर्स भी लगे वो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं दोनों मैचिंग, जैसे रेड थ्रेड के साथ यहाँ पे भी आप देखेंगे रेड थ्रेड्स हैं, तो ये चीज़ गाड़ी में और भी अच्छा लुक दे दे रही है। रेड कहने का मतलब बाहर की आप देखोगे ना गाड़ी का कलर भी रेड है, तो ये चीज़ अंदर से मैचिंग काफ़ी अच्छा लुक दे रहा है ये सारी चीज़ें। क्लीनिंग हो रही है इसकी, वैक्यूम से पूरा क्लीनिंग कर रहे हैं, नीचे जो डस्ट और वो सब कुछ है सारा निकल जाता है, ये देखिए हर एक जगह हर एक कोना। सॉरी थोड़ा सा शोर हो रहा होगा बट आप एडजस्ट करिए, जो भी काम करते वक्त थोड़ा सा गंदी हो गई कार तो उस चीज़ को सफाई की जा रही है। नीचे डस्ट हटा दी गई है, अब उसके ऊपर से मैटिंग डाल दी गई है, पीछे मैटिंग पूरी गाड़ी में मैटिंग लगाई जा रही है। तो आपको अगर जो ओवरऑल फिर से रिकैप कराऊं कि क्या क्या चीज़ काम करा दिया गया है इसमें, इसमें पड़ गई हमारी मैटिंग, सीट कवर, स्टीयरिंग कवर और ये जो रोलिंग कर्टन्स लगे हैं आप ये देख रहे होंगे गाइज, ये रोलिंग कर्टन्स भी अब जैसे जैसे गर्मी आती जा रही, जैसे धूप बढ़ती जा रही, ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है किसी भी गाड़ी के लिए और ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी के लग रहे हैं। और जो ये शीशा ऊपर करते हैं तो ये चीज़ में फंस जाती है और शीशे के साथ ही ये रोलिंग कर्टन्स ऊपर रहते हैं, तो ये आपकी गाड़ी के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है, अगर जो आपके पास है थार या फिर कोई भी अदर कार तो आप उसमें लगवा सकते हैं आराम। थार बहुत कम लोगों के पास ये भी रोड पे मैं देखी हुई है, तो मैं भी जब मेरे पास नहीं थी मैं भी लोगों को देखता था, जब मैं बैठा तो फिर देखता हूँ कि लोग देखते हैं इस गाड़ी का स्टेटस अलग है। एक्सपेक्टेशन थी उन्होंने पहले ही बता दिया था 2 से 2.5 घंटा लगेगा, उतना ही टाइम लग रहा है। ओके, तो अभी दानिश भाई अंदर सफाई कर ही रहे हैं पूरा साफ कर, तो जब तक इस पे मैटिंग पड़ रही है मैं आपको दिखाता हूँ दूसरी थार एक आई है यहाँ पे उसमें क्या काम हो रहा है, दोनों दिखाता हूँ। इस वाली थार में क्या है, हमारा ऊपर कैरियर लगा है, इसमें आप देख रहे होंगे ओवरलैंड का ओरिजिनल कैरियर है, इसमें लोकल भी आता है, तो ओरिजिनल और लोकल में आप कैसे पहचानेंगे? ओरिजिनल जो होता है वो लेज़र कटिंग से यहाँ पे ओवरलैंड दिखाते हैं, आप देखिए ये गैप है, ये कटिंग करके ओवरलैंड दिखा रहेगा, दैट मीन्स कि वो ओरिजिनल है, जो लोकल आते हैं उसमें केवल जस्ट स्टिकर होगा। तो यही फर्क आता है किसी कैरियर का, जो आपके थार है और आप ऊपर आप कैरियर लगवाना चाहते हैं तो बिंदास आ सकते हैं, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल करिए, कॉन्टैक्ट करिए, रेट पता करिए और आ जाइए। छोटा वाला हैंडल फिट किया जा रहा है, सही स्टीयरिंग और भी इजी होती है, जैसे मोड़ने काटने में अगर आपको तीव्र मोड़ मोड़ना है काफी इजीली आप हैंडल कर सकते हो, एक हाथ से हैंडल कर सकते हो। और गाइस अक्सर लोग क्या गलती करते हैं इसको लगाने में, मैंने कई सारी शॉप्स पे देखा है ये चीज़ हैंडल बाहर की तरफ लगा देते हैं, तो वैसा नहीं लगना चाहिए, जैसे अभी देखिए स्टीयरिंग के अंदर ही होना चाहिए ये अंदर, मैंने कई सारी गाड़ियों में देखा है वो बाहर की तरफ, वो चीज़ गाइस गलत है क्योंकि जब हैंडल मोड़ेंगे तो ये चीज़ अटकेगी, अगर जो बाहर की तरफ होगी आपका हाथ फंसेगा और हो सकता है गलत आप मोड़ दें, तो ये चीज़ अंदर ही रहनी चाहिए, क्या अगर जब नॉर्मली भी कभी स्टीयरिंग यूज़ करते हैं तो हाथ उसमें कभी ना फंसे, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए अगर जो आप कभी लगवा आते हैं ये चीज़।
तो फाइनली गाइस इस वीडियो करता हूँ यहीं पे एंड, और आप लोग सोच रहे होंगे रेट तो बताया नहीं, तो मैं रेट आपको प्रोजेक्टर से बताऊँ कि उस वाली लाल वाली थार में क्या क्या काम हुआ था। तो सबसे पहला जो मुझे काम याद आ रहा है, जो स्टेयरिंग कवर लगा था वो हमारा 800 रुपये में लग जाएगा अगर जो आप लोग लगवाना हो, और जो हमारा रोलिंग कर्टन थे वो हमारा 900 रुपये से स्टार्टिंग हो जाता है रेंज। तो अगर रोलिंग कर्टन जो शीशे में लगे थे जो धूप से बचाते हैं वो हमारा 900 रुपये से स्टार्टिंग हो जाता है, और जो नीचे की जो मैटिंग उसमें पड़ी थी उसका ऑलमोस्ट अराउंड 1200 से 1500 में आपकी पूरी गाड़ी में फ्लोरिंग में वो मैट आपके पड़ जाएंगे। और साथ ही उसमें सीट कवर्स का भी काम होता है। सीट कवर्स हमारे यहाँ पे स्टार्टिंग रेंज हम आपको पड़ जाएगा 3,500 से स्टार्टिंग हो जाता है, और बाकी डिपेंड करता है आपकी गाड़ी कौन सी गाड़ी है, 7 सीटर है 5 सीटर है, उस हिसाब से डिपेंड करता है। अगर जो आपको भी ऐसी कोई एसेसरीज अपनी थार में या फिर किसी भी कार में फिट करवानी है तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे एनी टाइम कॉल करें, आए हमारे पंजाब ऑटो और चैनल का नाम बता के डिस्काउंट भी पा सकते हैं। तो करता हूँ इसी के साथ इस वीडियो का एंड, लव यू, टेक केयर। कैसी सर्विस रही? बहुत बढ़िया लगा, मतलब जो भी जैसे मुझे चाहिए था, मतलब जिस उम्मीद से आए थे उस हिसाब से मेरे को फिटिंग और सब कुछ, जिसमें सीट कवर की फिटिंग भी बहुत अच्छी रही, और आर्मरेस्ट भी मैंने लगवाया, आर्मरेस्ट भी मेरे बहुत सेटिस्फेक्शन। और रेट वेट कैसा रहा आपको? बहुत ज़्यादा महंगा है? नहीं, रेट पे तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा, बिकॉज रेट पे मैं बहुत पहले से I20 थी, तब भी मैं यहीं पे आता था, बिकॉज ये मेरी ट्रस्टेड दुकान है, इसलिए मैं रेट का नहीं देखता।